Hello, sir. Hello. Hello, testing. Hello. Hello. तो सबको झुमा दिया यहाँ पर, एक बार मोहसिन भाई के लिए जोरदार तालियां।
We would like to inform everyone to kindly be seated and make yourselves comfortable in your seats, and please turn off your phones as we are just about to formally begin now. Good morning, ladies and gentlemen, and the galaxy of intellectuals, my dear friends. How different is this morning? Dear audience, you will yourself discover as the program unfolds. I would like to call Dr. Divesh to formally inaugurate this program and give us our greetings. Friends, young children, students, सबसे पहले मुझे आप लोगों से शेयर करना है कि ये नई शुरुआत हमने किस मकसद से की है. प्रिंसिपल साहब अभी हमारे बीच आने वाले हैं और वो पहला लेक्चर जो हमारे इस मुहिम का है व्हाट इज़ हैप्पीनेस पर देंगे. जैसा आपने बैनर्स पर और हमारे नोटिसेस में देखा होगा, हम में से कई टीचर्स ये बहुत टाइम से महसूस कर रहे थे कि किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में, और बहुत सी ज़रूरी चीज़ें जो खासतौर पर उच्च वर्ग है उनके बच्चे सीख जाते हैं, पर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए कॉलेज एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है जहाँ पर इन व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ों को सिखाया जा सके. इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है. अभी मैं इसे एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा कि हर सैटरडे को कुछ कुछ एक्टिविटीज़ रखी जाए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने, क्योंकि कोई भी नई चीज़ होती है कई लोग उसमें स्केप्टिसिज्म भी दिखाते हैं, पर शुरुआत में साथ देने वाले हमेशा याद रहते हैं इसीलिए. और हमारे कन्वीनर्स सब, जो नई कमिटीज़ 10 बनी हैं उन सब का, बाकी मेंबर्स का, संजीव, एहसान, आफ्ताब साहब, सोनू, सब लोग यहाँ आज मौजूद हैं, उसके लिए और डबल शुक्रिया. पर जो कुछ कन्वीनर्स नहीं भी आ पाए हैं, शिवदान, उमा शंकर जी, ये लोग अगले सैटरडे को एक्टिविटीज़ रखने वाले हैं, तो उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और ख़ास तौर पर करुणा जी, संगीता मैम, आप लोगों ने शुरू से जो ये साथ दिया है, ये मॉरल सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहा है. क्योंकि राम, कैलाश, मैं कोई नाम अगर भूल जाऊँ तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि एक अच्छी बात ये हुई है कि करीब 50 जनों का हमारा एक परिवार बन गया है, जो इसमें जिन्होंने नाम लिखवाए हैं, और शहनाज जी अभी नई जुड़ी हैं हमारे साथ. तो आप इनाम, हम सब इसको एक मिशन के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र में दिल्ली में नहीं, शायद इंडिया में किसी कॉलेज में इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का शायद नहीं दिया जा रहा है. और अगर हमारा ये प्रयोग सफल रहा तो हो सकता है कि यूजीसी के लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, ये और कॉलेजेस में भी आगे प्रमोट किया जाए. और अगर ऐसा हो गया तो मेरी नज़र में ये कम से कम मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक सुधार होगा हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था में. ये जो मैकॉली ने सिस्टम शुरू किया था, जब क्लार्क्स उन्हें खाली चाहिए थे तो केवल किताबी ज्ञान पर ही अंक दिए जाते हैं, एग्जाम्स में आप क्या लिखते हैं उसको ही एक ज्ञान का पर्याय बना दिया गया. पर ज्ञान उससे कहीं आगे है. जो भी जीवन में हमें बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए चाहिए वो सब ज्ञान है, और उसमें इस तरह की स्किल्स, जैसा एक ग्रेजुएट फर्स्ट एड ना दे पाए, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है. सेल्फ डिफेंस सबको, अगर हर ग्रेजुएट को आए, सिविक वैल्यूज, जुल्म से लड़ने का अगर एक जज्बा लेकर ग्रेजुएट कॉलेज से निकले, कहीं भी जुल्म देखे, ये जो सिविक वैल्यूज़ की आफ्ताब साहब जिम्मेदारी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस जिम्मेदारी को लिया है, क्योंकि बहुत, मैं उम्मीद करता हूँ हमें ऐसे एनर्जेटिक लोग अगर साथ जुड़ेंगे, ज़रूर हर ग्रेजुएट कहीं भी जुल्म देखे उसका विरोध करने की उसमें कम से कम एक फीलिंग हो, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी हायर एजुकेशन की. और इन्हीं सब फीलिंग्स को लेकर हमने ये शुरुआत की है. अगेन मैं बहुत
शुक्रिया अदा करता हूँ सारे साथियों का, प्रिंसिपल साहब का और स्टूडेंट्स का। थोड़े से जो आए हैं, काफ़ी नहीं आ पाए, ये एक हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, पर मैं उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे सुनेंगे इस नए खिलते फूल की महक अगर और फैलेगी तो उम्मीद है और लोग भी इस हार में जुड़ने की, गार्लैंड में जुड़ने की कोशिश करेंगे अगले सैटरडेज में। और अभी प्रिंसिपल साहब को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ हैप्पीनेस, इस पर आपसे मुखातिब होंगे। और क्योंकि हमारे अपने स्टूडेंट थोड़े कम आए हैं इसलिए हमने जो बस्ती के बच्चे हैं उनको भी ऑडियंस में शामिल रखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्पीकर से, प्रिंसिपल साहब, करुणा मैम और बाकी टीचर्स भी, जो भी कन्वीनर्स आकर बोलना चाहें, इसके बाद हम सबसे को सुनेंगे। तो ज़रा हिंदी में अगर बोल लें ताकि हमारे जो जूनियर साथी अच्छे नंबर में आए हैं तो उनको भी इसका पार्टिसिपेशन फील हो। तो अब मैं प्रिंसिपल साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ आपको व्हाट इज़ हैप्पीनेस पर जानकारी देने के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया देवेश सर कि आपने ये छोटा इंट्रोडक्शन दिया। बहुत ये चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि कुछ हमारे कॉलेज के बच्चे बहुत थोड़े से हैं यहाँ और बस्ती के बच्चे ज़्यादा हैं, तो बच्चों का जो हैप्पीनेस है और जो थोड़े से बड़े लोगों का हैप्पीनेस है और जो मेरे टाइप के एज के लोगों का हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस वो एक ही, हम चाहते सब वो एक ही चीज़ को हैं, मगर वो कहाँ से मिलेगा ये हमें नहीं पता। तो शुरुआत ऐसे करता हूँ कि कॉलेज के अगर एक बॉय और गर्ल यहाँ आ सकते हैं इधर तो थोड़ा सा ये डिस्कशन इजी हो जाएगा मेरे लिए कि आपसे मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा और जब आप जवाब देंगे तो ऐसा चलेगा, बिकॉज ये एक क्लासरूम नहीं है जहाँ मैं आधे घंटे बोलूँ और आप इधर उधर देखते रहें, ये इसका पर्पस नहीं है। तो कॉलेज में से वन बॉय एंड गर्ल इफ यू कैन कम ऑन द स्टेज इट विल बी गुड। ये माइक्रोफोन उठा लीजिएगा आप। अपना एक परिचय दे दीजिए आप दोनों। हेलो, माय नेम इज अबुल कलाम, आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर। हेलो, माय नेम इज शमा, आई एम फ्रॉम बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर। एक्चुअली शुरुआत ऐसे करूंगा कि हमारे कॉलेज में से कई बच्चे आज जैसे नहीं आए, कई क्या 99% तो आए नहीं हैं, तो उसका रीज़न क्या दे सकते हैं आप, ये बताएंगे कि आपके मन में क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे इतने कहने के बावजूद या नंबर इतना थोड़े से बच्चे आए हैं। सर, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, शायद किसी को कुछ आज के दिन काम हो, सेकंड इंटरेस्ट भी होना चाहिए इंसान का, इंथुजियास्टिक होना चाहिए इंसान को, तभी वो हर चीज़ की शुरुआत अच्छे से कर सकता है। सर, यही रीज़न हो सकता है। आप क्या समझते हो? सर, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आए और क्लास कर लिए, क्लास को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, इवन कि क्लास लेने के बाद अगर दूसरा क्लास नहीं है तो तुरंत वो रिटर्न हो जाते हैं घर को। सर, क्लास को भी अटेंडेंस को नहीं, फिर घर जाके क्या करते होंगे? मतलब ये बिल्कुल सही है कि घर चले जाते हैं, घर जाके अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो समझ में आता है, बट घर जाके नॉर्मली क्या करते होंगे ऐसे बच्चे? सर, टीवी देखते होंगे या फिर चैट वेट, या फिर अगर मेरे जैसे होंगे थोड़ा सा पढ़ते होंगे बस। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? सर, जो दिवेश सर पढ़ाते हैं ना हिस्ट्री में। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं देखिए, मेरा तो ये लगता है कि आज अक्सर बच्चे इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि एक तो ठंड है, तो रजाई में सोने का जो मज़ा आता है, नींद का मज़ा, तो नींद का मज़ा अपना ही एक मज़ा होता है। सोते समय क्या होता है कि आप अपने, आप कहाँ सोए हैं आपको ये भी एहसास नहीं होता, भई आप किसी बिस्तरे पे सोए हैं या फुटपाथ पे सोए हैं या किसी ऐसे जगह सोए हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता। जब आप सो रहे होते हैं,
जब आप उठते हैं और अगर बहुत अच्छी नींद आई है तो आप कहते हो कि जी मेरे को बहुत मजा आया आज सो के, तो कोई आपसे पूछता है कि भाई सोते हुए मजा ये क्या होता है, आपने कुछ रसगुल्ला खाया या कोई सूट वूट पहन के आप सो रहे थे बड़े अच्छे सेंट वेंट डाल के, तो मजा कहाँ से आया आपको सोने में? तो आदमी बताएगा अरे सोने का जो मजा है उसको थोड़ा बताना मुश्किल है, वो उठने के बाद मेरे को पता चलता है कि मजा आया, उस टाइम नहीं मालूम था जब मैं सो रहा था। तो हमारे शास्त्रों में एंड हमारे स्क्रिप्चर्स में ये बोला है कि हम सब, जैसे इन्होंने बोला ये घर जाके मोस्टली बच्चे टीवी देखते हैं, क्यों टीवी देखते हैं? मजा आता है उनको, मजा। और कॉलेज में इधर उधर घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? मजा आता है। कॉलेज क्यों आते हैं? पढ़ने क्यों आते हैं? नौकरी मिले। नौकरी क्यों मिले? पैसा मिले। पैसा क्यों मिले? उससे सामान खरीदेंगे, घर खरीदेंगे और शादी के बाद बड़े मजे से रहेंगे। तो हर एक का एम मजा लेना होता है। तो हैप्पीनेस हम सबका गोल है, चाहे छोटे से छोटे बच्चे से लेके मेरे एज तक अगर आप देखोगे, आई थिंक आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस हॉल, तो सबका वो मजा लेने का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये मजा कहां से मिलेगा ये हमें आज तक किसी ने बताया नहीं है। तो बच्चों के साथ हम या अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देने जाते हैं, हाँ मजा आता है, जरूर आता है, उसमें रसगुल्ला खाते हैं मजा आता है, एक रसगुल्ला खाते हैं मजा आता है, दूसरा थोड़ा कम मजा आता है, तीसरा और थोड़ा कम, चार या पांच खाने के बाद बस भाई बस और नहीं हम ले सकते। तो ये कहना है कि जो भी मजा बाहर किसी भी चीज से लेते हैं, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, दोस्त आएंगे पिक्चर देखेंगे फिर घर चले जाएंगे दो तीन घंटे बाद, तो जब आए तो आपको अच्छा लगा, और जब घर जाएं या आपका बेटा, अब तो आप छोटे हो तो आपके बेटे तो होंगे नहीं अभी, मगर जब आप लोग अपने घर कहीं बाहर, जैसे हमारे सब यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो वो जब आते हैं यूएस से अमेरिका से आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, 15-20 दिन रहते हैं फिर जाना होता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये जो भी खुशी आपको किसी के मिलने से होगी, वो खुशी मिलने के जब बिछड़ते समय वो खुशी चले जाएगी। तो ऐसा मजा तो हम रोज लेते हैं, मजा आया और मजा गया, ये अराइवल डिपार्चर, आना जाना आना जाना, ये हमने बहुत कर लिया है। मगर असली मजा जो है वो हम चाहते हैं, उसके बारे में हमें एक्चुअली मालूम ही नहीं है, ऐसा कोई चीज है भी जिससे, जैसे सोते समय आपके पास कुछ नहीं था और आप मजे में थे और उठने के बाद आपने बोला बहुत मजा आया और आप कुछ नहीं कर रहे थे वहां सोते समय, तो ऐसा अगर जागते समय वही खुशी आपको मिल जाए। आप में से कोई ऐसे हैं जो रोज कंप्लेन करते हैं यार आज भी सोना है, बड़ा बोरिंग काम है? कोई नहीं कहता, सब कहता है यार नींद तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्लास में भी सोते हैं और ऑडिटोरियम में भी कुछ लोग अभी सो रहे होंगे शायद, तो सोना एक इतना हमारे लिए अच्छी चीज मानी जाती है कि कभी भी हम ये नहीं कहते कि भाई आज भी सोना है, रजाई ओढ़ के क्या 10 बज गए, ऐसा हो कि भाई हम जगे ही रहें, ऐसा नहीं कहते। तो जो चीज, जो आनंद या जो खुशी आपको सोने में मिलती है, वो जागने में अगर आपको मिल जाए, आप कॉलेज आते हैं वही आनंद मिले जो आपको नींद में मिली, आप दोस्तों से मिले वही आनंद मिले जो आपको नींद में मिलती है, तो वो आनंद, वो एक झलक है। वैसा मैं, क्योंकि हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो मैं नींद के जरिए नॉर्मली करता हूँ कि नींद, कोई भी नहीं कहता कि हमें सोना नहीं है, और अगर वो आनंद आपको जागते समय मिल जाए, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर वही आनंद की स्थिति मेरे पास होगी तो मेरा पूरा दिन कितना मजेदार होगा। तो इस चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे इस पर्टिकुलर कमिटी में, जो छोटी सी एक कमिटी बैठी है, उसमें कुछ बच्चे आएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और अगर जागते समय, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, वो थोड़ा मैं वर्ड्स यूज नहीं कर रहा क्योंकि संस्कृत के वर्ड्स थोड़े मुश्किल होते हैं, अगर जागते समय आपको वो खुशी मिले जो आपको नींद में मिलती है, जब आप पढ़ते हो, आप मेट्रो से आते हो, जब दोस्तों से मिलते हो, क्लास अटेंड करते हो, उस आनंद की स्थिति में रहा जा सकता है, ये रहा जा सकता है, हम जानते नहीं है। जैसे आपको जाना है गाजियाबाद और एक है फरीदाबाद, इस तरह आप कॉलेज से चले, जाना आपको फरीदाबाद है,
तो आपको किसी ने बोला भाई फरीदाबाद जाने का, ये बदरपुर से आप ये निजामुद्दीन होके वहां से ऐसे जाइए, एक रूट बता दिया उस डेस्टिनेशन के लिए। आप चले गाजियाबाद की तरफ फरीदाबाद की जगह, उल्टा जा रहे हो आप, तो जितनी देर आप उल्टा जाओगे अपने फरीदाबाद से और दूर होते जाओगे। तो हम लोगों का लाइफ एक्चुअली ऐसे ही है, चाहते हम मजा लेना, खुशी चाहते हैं, वो खुशी कहाँ से मिलेगी ये मालूम नहीं है, रूट गलत पकड़ते हैं। तो लाइफ जितना हमारा और आगे आगे जाता है, हम अपने खुशी से और दूर चले जाते रहते हैं, और यही जो खुशी हमें रोज मिलती है, आता है जाता है, आता है जाता है, वो हमें रोज मिलता है, हम सोचते हैं वही खुशी है। तो ज़्यादा ना आपका समय लेते हुए मैं एक्चुअली यहीं अपनी बात में समाप्त करूँगा कि इस कमिटी में तो हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे, जैसे आपने एक गाड़ी खरीदा, एक्चुअली गाड़ी का शौक बहुत है, हमारे टीचर्स भी जिनको नौकरी मिलती है पहली चीज़ वो गाड़ी करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर घर खरीदते हैं, फिर समझते हैं कि भाई हो गया सारा काम। तो आप देखिए कितने लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, कार हैं, वो परेशानी में हैं। अगर गाड़ी से इतनी खुशी मिल सकती थी, आपने मारुति खरीदी तो बड़ा अच्छा लगा, माला वाला पहना के मंदिर से आप उसका पूजा करके लाए, अगले दिन उस पर डेंट पड़ गई, यहाँ अजमेरी गेट में तो डेंट ज़रूर पड़ेगी जब आप गाड़ियाँ लाएंगे, तो वो खुशी जो कल थी वो आज कम हो गई। और अगर वो चोरी हो जाए गाड़ी बाय द वे तो और मुसीबत। और आपने मारुति खरीदी, आपके दोस्त ने होंडा खरीद ली, तो होंडा की खुशी आप समझते हैं और ज़्यादा होगी, मर्सिडीज़ की और ज़्यादा होगी, तो आपको जो मारुति से खुशी मिली वो गई। कल तो आप बड़े खुश थे कि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी है, आपके पड़ोसन ने एक उससे बढ़िया गाड़ी खरीद ली, बस आपका आनंद वहीं ख़त्म हो गया अपनी गाड़ी से। तो ये चीज़ें तो हम खूब देखते आ रहे हैं अपने अपने लाइफ पे, घर खरीदा, एक ने दो मंजिल बना ली, गया आपका खुशी, भाई मेरा भी घर वैसे ही होना चाहिए। फिर अंबानी तक, अंबानी भी ये सोचता है कि भाई मैं रिचेस्ट में रहूं, तो वॉरेन बफेट, तो ड्रामा तो हम करते ही हैं सुबह से रात तक, ड्रामा, तो ड्रामा करना हमारा आदत है एक्चुअली। यहाँ आके ड्रामा करने कहते हैं तो सब लोग घबराते हैं, बट लाइफ में जो मैं नहीं हूँ वो मैं दिखाना चाहता हूँ दूसरों को, और जो मैं हूँ उसे छिपाना चाहता हूँ दूसरों से, कि मेरी असलियत ना पता चल जाए। तो मैं कभी ये भी नहीं पसंद करूँगा कि आप मेरे घर बताए बगैर आ जाएं, क्योंकि बताए बगैर आ जाएं तो मैं अपने ओरिजिनल ड्रेस में रहूँगा, तो ओरिजिनल ड्रेस बड़ा कंफर्टेबल है, मगर आप आओगे तो मैंने बन ठन के आपको दिखाना है। मैं ये नहीं कह रहा फटे कपड़े में आप रहें और कॉलेज आएँ, दैट्स नॉट द इंटेंशन, बट ये है कि जो है उसको हम छिपाते हैं और जो नहीं है उसको हम दिखाते हैं। मैं जो नहीं जानता उसको कभी अक्नॉलेज नहीं करूँगा। तो ये ड्रामा चलते चलते फिर लाइफ का भी एंड हो जाता है, और फिर 70-80 साल के बाद हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हम यहाँ क्यों आए, क्या किया क्या नहीं किया। और इंडिया में तो आप देखिए आपके चारों तरफ इतनी सफरिंग और इतनी बेरोजगारी है, ये सब है। तो इस कमिटी में जो हमें 7-8 टीचर्स हैं इसमें, तो जो भी बच्चे इसमें जुड़ेंगे और अगर ये फैलेगा तो आपको वो रास्ता बताएंगे जिससे कि आप वो आनंद को प्राप्त कर सके जो आपको गहरी नींद में मिलता है, वो आनंद जब आप उठे रहें 24 घंटे आपको मिले, सिर्फ वो 6-7 घंटे आप सो रहे हैं उस टाइम तो अज्ञानता होती है, इग्नोरेंस में मिलता है वो, मगर वेकिंग स्टेट में अगर आपको वो आनंद मिल सके तो ये इस कमिटी की बात है। और थोड़ी थोड़ी आप स्टूडेंट से हम इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि भाषण देना हैप्पीनेस के बारे में एक सबसे खराब चीज़ है कि हैप्पीनेस इतना एक अपने आप से महसूस करने वाली चीज़ है, तो वो बोल के बयान नहीं कर सकते। अगर किसी ने मिठाई खाई नहीं है तो रामकृष्ण परमहंस से एक ने पूछा कि भाई मिठाई क्या होती है, तो उन्होंने बोला जिस आदमी ने मिठाई खाई नहीं है आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, भाई लड्डू खाया है, वो कहते हैं नहीं खाया, बर्फी खाया है, नहीं, चीनी गुड़ उसने खाया ही नहीं, तो आप उस मिठास को कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप बोलोगे एक गुड़ का छोटा पीस देके भाई खा लो, जो टेस्ट आएगा ना वो है स्वीटनेस का टेस्ट। तो आनंद भी कुछ ऐसा ही है कि भाषण से बताना बड़ा मुश्किल है, ये एक्चुअली अंदरूनी जो आनंद होता है वो है। हम क्या करते हैं बाहर से लेते हैं, जैसे फेसबुक में मेरे 2000 फ्रेंड्स हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बाहर के दोस्त हैं, उनमें से कितनों को मिले हो
एक दो से मिले हैं, तो 2000 में से सिर्फ एक दो जिनके साथ आपका हुआ है, तो हमेशा बाहर से घर खरीदें, बाहर से गाड़ी खरीदें, शादी करें। तो शादी की बड़ी एक अजीब बात है कि लोग कहते हैं कि भाई शादी करना बड़ी अच्छी बात है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए शादी वाले कितने दुखी हैं, कई सारे, और शादी वाले खुश भी हैं, दोनों चीज़ हैं। और जिन्होंने शादी नहीं की उसमें भी कुछ लोग बड़े खुश हैं और कुछ लोग बड़े दुख हैं। उनसे पूछो क्या, अरे यार शादी नहीं हुई, शादी हो जाती मुसीबत, सब ठीक हो जाती। वही आप उनसे पूछिए, वो कहते हैं अरे कहाँ शादी कर ली, शादी नहीं करता, आराम से रहता। तो आपको दोनों केस दोनों जगह मिलेगा। तो शादी करना या अकेले रहना वो उसका रीज़न ही नहीं है, रीज़न और कुछ है जो हम जानते ही नहीं हैं। तो इस कमेटी में हम ये चीज़ थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, और हो सके अगर ये कमेटी चलेगी तो आगे ले जाएंगे, नहीं तो हम रोज़ आते हैं जाते हैं, वो तो लाइफ तो चलते ही रहेगा, टाइम किसी के लिए वेट करता नहीं है, तो वैसे ही रहेंगे। ऑल राइट रोज़ हाउ आर यू, फाइन फाइन में हमारी सारी लाइफ निकल जाएगी। शुक्रिया। अगर आप दोनों में से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप यहाँ आए हो, पढ़ाई करते हो, सबका एक वजह होता है, तो वो क्या वजह है वो आपको देखना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए। अब मैं कौन हूँ ये सब बताना बड़ा मुश्किल है यहाँ इतने बड़े ऑडियंस में, छोटे बच्चे बैठे हैं, तो ये थोड़ा सीरियस डिस्कशन होता है, तो आगे इस कमेटी में हम चलेंगे। शुक्रिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे। से अभी इंटरनेट का दौर चला है, तो आजकल के जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा उससे इंटरेक्टिव हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल हैं। तो लोग क्या करते हैं कि पढ़ने के बजाय पर डे कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अगर वही किताब लेकर के बैठना हो तो 1 घंटे के बाद उसको बंद करके रख दिया जाता है। अब जितने में हम 1 घंटे में फेसबुक चलाते हैं उसमें हमारी कम से कम 3 घंटे हम पढ़ सकते हैं, उससे हमारी एनर्जी भी बहुत लॉस होती है, हमारी आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर जब हम सोते हैं तो सुबह आँख नहीं खुलती है, सुबह उठते हैं तो सर में पूरा दर्द रहता है, और क्लास हम आते हैं तो क्लास में भी नींद आने लगती है बहुत सारे लोगों को, वही सोना शुरू कर देते हैं, मतलब। और ये एक तरीके से उलझन रहती है, एक तरीके से प्रेशर बना रहता है कि कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, तो पता नहीं क्या बोल के समझ ही में नहीं आया, बाद में अपने दोस्तों से बताते हैं कि सर पता नहीं क्या पढ़ा के चले गए, समझ में नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, और ये जो न्यू जनरेशन इसमें बहुत बड़ा इस टाइम रीज़न बना हुआ है। थैंक यू। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, शुक्रिया स्टूडेंट्स। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर करुणा मेहता मैम को। करुणा मेहता मैम, हाँ। सो ऑडियंस, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू डॉक्टर करुणा मेहता मैम। करुणा मेहता मैम के बाद, मैम के स्पीच के बाद, अगर कोई टीचर्स में से कुछ बोलना चाहे, दे आर वेलकम ऑन स्टेज कि वो आए कुछ बोलें, एंड फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो पीछे बैठे हैं वो कुछ बोलना चाहे तो वो स्टेज पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद वी विल स्प्लिट फॉर लंच, 1 बजे लंच है, लंच के बाद 1:30 पे मूवी का स्क्रीनिंग है, नील बट्टे सन्नाटा, एंड आफ्टर दैट देर विल बी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टूडेंट्स ओनली एंड नॉट टीचर्स, एंड then we'll discuss. Thank you. Because, yeah, why do they need gifts? They don't need prizes. Their excellency is enough. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Prabhakar and Divesh ji and Dr. Patel, for giving me this opportunity to address a small gathering. Of course, I was actually looking forward that we are going to have many, many students, and I was thinking that
maybe I need to prepare and prepare and prepare for days and days. But I think there are very few students, and whatever it is, I think I can start my topic. So, pani ke liye. Acha, ek. Jo mention kiya hai usme aaj ke program mein, this after Dr. Prabhakar's talk, my topic is given as psychological ailments. So I'm sorry, I'm not going to much focus on ailments, because my way of looking at life and interacting with students is very positive, that we have to move towards happiness, as already mentioned by Dr. Prabhakar, and have the kind of faith and confidence in oneself that even if there is some failure in life, some stressful events in life, or problems, we can overcome. And we should accept these things as challenges. So, मुझे डॉक्टर दिनेश ने बोला कि हिंदी में भी बोलना है. कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी की जो नॉलेज है वो हम लोग चाहते हैं कि हम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, स्टूडेंट्स के साथ. लेकिन लोगों को कुछ हेजिटेशन होती है. वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं इसमें साइकोलॉजिस्ट के साथ पास जाने में या काउंसलर के पास जाने में शायद कुछ उनका मेंटल डिसऑर्डर है या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसके लिए उन्हें एम्बैरेसमेंट की फीलिंग हो, हाँ, या लगे कि हमें कुछ इस तरह का पागलपन और सम इन्फीरियर बिहेवियर है जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में. ऐसी कोई बात नहीं है. हम लोग लाइफ में अपने कुछ गोल्स बनाते हैं स्कूल स्टूडेंट्स से शुरू करके. लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रॉम फैमिली, घर में, अर्ली ईयर्स इन स्कूल, देन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एट स्कूल लेवल, 9th, 10th, 11th, 12th. उस समय जो एक बच्चे की हालत है, उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें कि कोई उनको समझे कि वो क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, क्या चॉइसेस करना चाहते हैं लाइफ के बारे में, उनका इंटरेस्ट किस में है, उनका एप्टीट्यूड किस में है. तो एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर जो है वो इसलिए बैठा है कि आइए मुझसे बात करें, मेरे लाइक जो भी है, चाहे वो टेस्टिंग करके है, इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ करके है, एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ करके है, या कुछ पर्सनैलिटी टेस्टिंग यूज़ करके है, तो वो उनको एक नॉलेज अबाउट सेल्फ दे सकते हैं. लाइक आज से 20-25 साल पहले हम लोग बात करते थे सेल्फ, बुक्स ऑन सेल्फ, बड़े हाई लेवल की किताबें. लेकिन अगर हम उसे सिंप्लीफाई करें तो हमें यही लगेगा कि हमें अपने बारे में क्या पता है, हाँ, बड़े फिर कुछ थियोरीज में चले जाएं हम, क्योंकि ऑडियंस हमारी कॉलेज की भी है, टीचर्स भी हैं यहाँ पर. तो हम ये समझते हैं कि देर आर मैनी थिंग्स, मैनी से अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड गोल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हमारे अंदर हैं, जो हमें पता है कि हम क्या चाहते हैं, ओके. पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने बारे में खुद भी नहीं पता होती और दूसरों को पता होती हैं. लेकिन कुछ इस तरह की और बातें हैं जो हमें अपने बारे में पता है या नहीं पता, लेकिन हिडन है वो, दे आर इन अवर अनकॉन्शियस. मैं आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम बताना चाहूँगी, फ्रॉयड से शुरू करके. सब लोग साइकोलॉजी की बात आते ही समझते हैं कि हम फ्रॉयड की बात कर रहे हैं, और अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं. लेकिन फ्रॉयड ने कहा कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, ये छोटे बच्चे आए हैं, इनका जो आज एक्सपीरियंस है ये इनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा. ये अगर बड़े हो के भूल भी जाएं तब भी इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सेल्फ, पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी. दे मे फॉरगेट, सप्रेशन, रिप्रेशन, सब कुछ हो जाता है और वो उनके अनकॉन्शियस में चला जाता है. बहुत कुछ हमारे प्री कॉन्शियस में है एंड कॉन्शियस में. कॉन्शियस लाइफ मीन्स व्हाट एग्जैक्टली वी आवर थॉट्स आर एंड आवर मेमोरीज आर प्री कॉन्शियस, बट व्हाट वी फॉरगेट एज अ रिजल्ट ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ लर्निंग मोर एंड मोर इन लाइफ, मोर एक्सपीरियंसेस, तो वो सारा सप्रेस होकर हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है. प्लस हम कुछ चीज़ों को खुद ही डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके अपने अनकॉन्शियस में डाल देते हैं. हम चाहते नहीं कि वो सब हम याद रखें. देयर इज अ फिश फुल फॉरगेटिंग.
ओके, बट वो हमें ऐसा नहीं है कि वो हमारी पार्ट ऑफ सेल्फ नहीं है, वो हमें हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी एडजस्टमेंट को, हमारी डे टू डे लाइफ को, हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को, हमारी अचीवमेंट डिज़ायर्स को एंड द वे वी वर्क, द वे वी इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड, उन सब को हमेशा इफेक्ट करता है. लेकिन मैं साइकोएनालिसिस में इतना बिलीव नहीं करती हूँ. आई डोंट लाइक टू प्रैक्टिस साइकोएनालिसिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट पास्ट सो मच कि चाइल्डहुड में ये स्टिग्मा हो गया, चाइल्डहुड में ये प्रॉब्लम हो गई. भाई जब हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस जो हैं, बहुत सारा काम जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने किया है वो इस बारे में किया है कि हमने क्या लर्न किया है लाइफ में, हमारा एनवायरनमेंट कैसा था. एंड इट्स नॉट जेनेटिक और जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड एवरीथिंग बट अवर एनवायरनमेंट एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट. अब लर्निंग पर जहाँ तक बात आ जाए तो हमने अच्छा बिहेवियर भी लर्न करा है और गलत बिहेवियर भी लर्न करा है. कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं लाइक यू नो साइकोपैथिक पर्सनैलिटीज, सोशियोपैथिक पर्सनैलिटी, क्रिमिनल बिहेवियर एंड अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स विच आर नॉट एक्चुअली यू नो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल मॉडल कि भाई ये तो जेनेटिकली स्किजोफ्रेनिया है या पैरानोया है. बट कुछ लर्निंग ऐसी हुई लाइफ में जिसकी वजह से उन्होंने कुछ गलत तरह का बिहेवियर लर्न करा, उसे किस तरह से ठीक करना है. तो फ्रॉइड की बात पे जाएंगे तो बहुत 4 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पे चलते हैं तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि हम अनलर्न कर सकते हैं बहुत कुछ और फिर से नया लर्निंग कर सकते हैं. दैट काइंड ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूजिंग टेक्निक्स ऑफ यू नो ट्रीटमेंट विच आर बेस्ड ऑन लर्निंग अप्रोच, लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स, लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज. एंड अपने स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं शायद बच्चे या फिर स्टूडेंट, कि अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है तो उसके लिए हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. हम उसको रिकग्नाइज करें, समझें कि ये बातें मुझ में कम हैं और ये मुझ में ज़्यादा हैं. दीज आर माई वीकनेसेस, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम लैकिंग. सो देर इज़ अ वेरी होपफुल काइंड ऑफ मैसेज फ्रॉम मी दैट we should work on those particular areas of our personality or our behavior and we can always improve. usko improvement kaise karenge agar hum koshish hi nahi karenge to improvement nahi hogi. us improvement ke liye hame koshish karni padti hai. right, so maine baat shuru kari freudian ki baat se lete hue aur defense mechanism se aur learning approach se. models acche learning from models ka matlab kya hota hai ki hame kuch aise logon ko apna बनाना चाहिए, इंस्पिरेशनल मॉडल, कि हम उनके जीवन के बारे में समझें, उन्होंने कैसे अचीवमेंट किया लाइफ में, कैसे सक्सेसफुल बने, हम उनके बारे में सुने, समझें, पढ़ें. सो देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन काउंसलिंग, दैट इज़ बिब्लोथेरेपी. व्हाट इज़ बिब्लोथेरेपी? टीचर्स को पता होगा, स्टूडेंट्स को भी पता होगा, लेकिन कुछ लोग अगर बताना चाहेंगे कि बिब्लोथेरेपी के बारे में आपने कभी सुना है? Students, that is reading good books, reading good material. अब सर ने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, he must be reading a lot of books. That is why it goes in. ये आपके एक हिस्सा बन जाती है, आपके part of yourself, part of your mental you can say growth. हमारी जो books हैं, अभी जैसे मैंने mental growth की बात करी, अगर हम सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदते हैं, आप जाइए कि नॉट प्लेस में बहुत अच्छी अच्छी बुक शॉप्स हैं, वहाँ से आपने जिस दिन मूड आपका थोड़ा सा टेम्परन मूड ऑफ है मान लीजिए थोड़ा, या लग रहा है कि मीनिंगलेस लाइफ है, या लगे आपको कि मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, तो आप जाएँ 2-3 अच्छी किताबें खरीदें, 200, 300, 400, 500 रुपये खर्च दीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ मूवी और ईटिंग समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर हेल्थ इशूज, मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स. बाई सम बुक्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रीड, यू विल फाइंड. किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाना या किसी काउंसलर के पास जाना, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इतना जरूरी नहीं है जितना हेल्प योर सेल्फ. वट इज़ द रोल ऑफ अ काउंसलर? काउंसलर इज कि आप आए, बैठें, बात करें, कुछ मन में परेशानी है तो शेयर करें
और बातों में आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बात से आपको अनसर्टेनिटी या कॉन्फ्लिक्ट है या लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, तो स्लोली लगेगा आपको बात करके मन हल्का होता है, प्लस एक तरीका निकल आता है उसमें से बातों. इट्स नॉट अ टॉक थेरेपी, बट स्टिल व्हेन वी शेयर, व्हेन देयर इज कैथारसिस, व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज अंडरस्टैंडिंग यू, लाइक यू नो द बिगनिंग ऑफ माई आर्टिकल इज दैट मेनी टाइम्स वी फाइंड कि हमें कोई समझता नहीं है हमारे घर में. अरे घर वाले पहले समझते होते, पेरेंट्स और सब लोग, तो समस्याएं होती भी ना. हाँ, वहीं से फैमिली सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा होता अगर, तो हमें इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ती. आई एम नॉट सेइंग आई एम ब्लेमिंग फैमिली, बट आई एम सेइंग दैट्स द फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप यू बिलोंग टू, द वेरी फर्स्ट ग्रुप जहाँ से हमारी शुरुआत होती है. अगर वही हेल्दी हो, वही हमें एक्सेप्टेंस दे, एनकरेजमेंट दे और प्यार दे. यू नो रॉजर्स साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, उनके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल को अनकंडीशनल लव चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, जेन्युइन कंसर्न केयर चाहिए. अगर हर एक को ये मिलता हो तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे लोग, हैप्पी भी हो जाएंगे, हैप्पीनेस भी रहेगा. प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, आपको भी फिर अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, या सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं रहते. और मीन्स आई एम नॉट ब्लेमिंग फैमिली, आई एम सेइंग दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. उसी तरह से आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलेज हैं, कुलीग्स हैं, अगर उनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स नहीं है, आई मीन टू से यू फाइंड देम दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू थिंक द वे यू वॉन्ट टू थिंक. जहाँ तक मैरिज की बात होती है, पीपल टॉक अबाउट कंपैटिबिलिटी, ओके, दैट थिंकिंग in the same like-minded people. So if you don't get like-minded people, we feel lonely. तो काउंसलर का काम क्या है? अगर आप उसके पास जाते हैं, अपनी बात को शेयर करते हैं, तो आपको लगता है कोई आपको समझ रहा है, ओके? उनका जॉब ही यही है कि वो आपको अंडरस्टैंड करें, एंड इन अ नॉन जजमेंटल मैनर, नॉट इवेल्यूएटिंग यू बट एक्सेप्टिंग यू, हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. And when you are able to understand yourself, you are able to have that kind of insight. कि अच्छा ये बात है, okay. And मैं ये सब कर सकता हूँ. कुछ भी positive behavior है या achievement है या exams में दोबारा से practice करके पढ़ना है, अच्छे marks लाने हैं, तो वो आपके focus जो है, आपका focus negative तरफ से हटा के आपका focus आपकी strengths पे ले जाएगा. हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक दो बातों की जो वीकनेस है, कमी है, उस पर फोकस कर लेते हैं अगर, तो हमारा नेगेटिव कॉन्फिडेंस हो जाता है, सेल्फ एस्टीम हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, एंग्जाइटी हाई हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है. तो लेकिन जब काउंसलर के पास गए तो वो कहेंगे आइए जी प्लीज़, आपके एज ग्रुप के लोगों की प्रॉब्लम होती है, सबकी यही होती है. लाइक यू नो I do believe in transition phases of life. What do you mean by transition phases of life? Erikson ne bhi age ko divide kiya hai. Ye stage, ye stage, ye stage. School, college, early adulthood, middle adulthood, and you can say retirement, old age. Har ek age group ki ek tarah ki kuch samasyaen hoti hai. Kisi kisi individual ki apni specific hoti hai. But ek agar hum ek group ko address kar rahe hain, to hume pata hai ki students hain. स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम होगी? स्टूडेंट्स की यही होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा, स्टडी हैबिट्स अच्छी नहीं है, एग्जाम में नंबर कम आ गए, कुछ टेंशन सी होती है, एंड वी लेबल इट एज एग्जामिनेशन एंग्जाइटी. उसको कैसे कंट्रोल करें, और मार्क्स कैसे अच्छे लाएं, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन कैसे करें, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, ऑपोजिट सेक्स फ्रेंड्स, एंड ब्रेक इन रिलेशनशिप ऑल्सो एट टाइम्स. इस एज ग्रुप की, आपके एज ग्रुप की, कॉलेज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स और क्या है? वरिंग अबाउट फ्यूचर, ओके. सो इफ दे कम एंड दे टॉक टू अ काउंसलर, द काउंसलर्स कैन प्रोवाइड देम विद द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड एट टाइम्स इंफॉर्मेशन ऑल्सो. यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन फॉर मेनी थिंग्स. आपके पास वो होती है इंफॉर्मेशन कई बार,
पर आपको एक चाहिए बात की जो आपको कहे कि हाँ हाँ तुम ठीक सोच रहे हो, तुम्हारा वे ऑफ एनालाइजिंग योर सेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट फ्यूचर इज करेक्ट. दैट इज अ काइंड ऑफ यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ यू कैन से क्लैरिटी अबाउट योर डाउट्स. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से दैट काउंसलर के पास आना कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम. आप जो भी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं लोग, एंड एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज काउंसलिंग, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है तो फिर वो कॉलेज में नहीं आ पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मैं परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं कर पाती हूँ, आई डोंट नो, आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बट देर आर वेरी फ्यू चांसेज ऑफ एनीबडी सफरिंग फ्रॉम स्किजोफ्रेनिया और पैरानॉइड और सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन फॉर विच साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. सो लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता कई बार कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर एंड अ साइकेट्रिस्ट. वेन देर आर सिंपल डे टू डे लाइफ नॉर्मल रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स एंड वी आर नॉट एबल टू कोप अप. हम लोग सब कोप अप करने की कोशिश करते हैं, पर जब कोप अप नहीं होता तो हमें लगता है कि अब क्या करें, अब हमसे नहीं हो रहा एंड वी वॉन्ट टू गिव अप. तो वो एक टाइम है जब आप किसी से बात करेंगे तो थोड़ा सा इंटरवेंशन, थोड़ा सा सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जो है वो बेस्ट है, उस समय चाहिए होता है. बहुत साइकोलॉजिस्ट वेदर रोलो में और फ्रॉयड, दे ऑल फील दैट वी शुड आस्क फॉर इमोशनल सपोर्ट, वी शुड गेट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स अराउंड, फ्रॉम पीपल अराउंड, एंड दैट्स गुड. उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. ये नहीं है कि हम लोनलीनेस में बैठे रहें. एंड जहाँ तक कि लाइफ इवेंट्स की बात है, इतने सारे लाइफ इवेंट्स हैं हमारे पास. साइकोलॉजिस्ट के पास टेस्ट भी हैं, लाइफ इवेंट्स के स्केल्स भी हैं. यू नो दे स्टार्ट विद हाईएस्ट विद डेथ ऑफ समबडी इन द फैमिली एंड देन डाइवोर्स एंड देन जेल टर्म और प्रेगनेंसी और गेटिंग मैरिड एंड इवन फेस्टिवल्स और यू कैन से गेटिंग लेस मार्क्स इन एग्जाम, चेंजिंग रेजिडेंस, चेंजिंग कॉलेज एंड सो ऑन एंड ऑन, लॉन्ग लिस्ट ऑफ यू कैन से स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स एंड इवन डेली हैसल्स लाइक इवन ट्रैफिक एंड यू कैन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ओके, एंड नॉट हैविंग प्रॉपर टाइम, टाइम मैनेजमेंट, टू मैनी सोशल इंटरेक्शंस, टू मैनी सोशल यू कैन से हैपनिंग्स इन द फैमिली एंड इवन लोनलीनेस. अगर बहुत ज़्यादा सोशल हैपनिंग्स हो जाए तब हमें मुश्किल लगती है, अगर नहीं होती तो लोनलीनेस लगती है. लेकिन हर बात में अगर हम सोचें कि हमें टेंशन हो गई, हमें स्ट्रेस हो गई, अरे कम ऑन, हेल्प योर सेल्फ, ट्राई टू थिंक अबाउट, कंट्रोल योर सेल्फ, ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ इन अ वे दैट कोई बात नहीं. हाँ, तो हम उस स्ट्रेस को कैसे, ये देखिए, स्ट्रेस है किसी को, स्ट्रेसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्ट्रेस, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेसर्स. देर आर मेनी स्ट्रेसर्स. अब ये मैंने कुछ का नाम बताया, वो स्ट्रेसर्स हैं तो हैं, लेकिन हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं उस स्ट्रेसर के बारे में, तब हमें स्ट्रेस होगी. अगर हम उसके बारे में अच्छे से सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगी. अगर हम उसके बारे में इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि बड़ी मुश्किल है, कैसे होगा, हाउ विल आई मैनेज, बहुत टेंशन ले ली मैंने, तो स्ट्रेस हो जाएगी. अब वो स्ट्रेस जब हो गई, मान लीजिए किसी को नहीं हुई, अब आज का सीन ले लीजिए, सब लोग रात को 12:30 तक घर के फंक्शन में थे बिकॉज दिल्ली एंड पंजाबी फेस्टिवल है, 12:31, और सुबह यहाँ पे अगर सबने 10 बजे पहुँचना है, अगर सोचा जाए तो स्ट्रेसर था टुडेज प्रोग्राम. बट जो लोग आए हैं, आई थिंक दे हैव इंटरप्रेटेड कि नहीं नहीं, समथिंग वेरी नाइस हैपनिंग एंड वेरी चैलेंजिंग एंड वी वॉन्टेड दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन कॉलेज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स वन अपॉर्चुनिटी एंड आई वॉज इवन थिंकिंग अबाउट इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू. यू नो, जब भी मैंने काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर, ये मेरे सारे जो नोट्स इतने सारे सुबह मैंने जब निकाले तो पिछले 6 साल से तैयार हो रहे थे. जब भी एक नोटिस लगाया, एक स्टूडेंट आता था, तो मैंने कहा किसी दिन बॉडी में मेरा टॉक हो जाए. तो मुझे कल जा, तो हम फंक्शन के लिए ले रहे थे कहीं पर, बट आई वॉज थिंकिंग ऑन द वे ऑडी में टॉक, और वो भी प्रिंसिपल सर से नेक्स्ट में, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट शाहरुख सेंटे, वो मेरे को आती नहीं इतनी शायरी, कि जब कोई किसी चीज़ को बहुत
क्या है वो शिद्दत से चाहता है समथिंग लाइक दैट. तो पूरी है ना एक शायरी है पूरी कहना तो उसको मिलाने की कोशिश करती हूँ. मैंने कहा मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है कि ऑडी बुक कर दो भैया. हाँ ऑडी बिजी है नहीं मिल सकता, ए वी रूम नहीं मिल सकता, स्टूडेंट नहीं आएंगे. तो मेरे लिए तो किसी तरह से एक लगा. तो दिस वॉज अ स्ट्रेस ओके बट आई इंटरप्रिटेड इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. नॉट आई एम सेइंग कि भाई मैं बहुत ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हूँ. हम भी जिंदगी में बहुत रोए, बहुत लोगों ने हमारे आंसू पोंछे, तो बहुत सपोर्टर्स थे हमारे लाइफ में. सो हम एक एज ग्रुप से सब लोग गुजरते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर करें जिससे कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें. जब हम एक बुक लेते हैं लाइब्रेरी से पे उसमें कुछ बुक मार्क्स लगे होते हैं तो हम देखते हैं ना अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेते हैं. तो उसी तरह से ज़िंदगी में जो लोग इस एज में आ गए उनको लगता है कि हम बच्चों को बता दें कि ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, 15 साल लगते हैं सक्सेसफुल होने में. सो एक बहुत अच्छी कोट है कि ओवरनाइट थिंग्स हैपन इन 15 ईयर्स. दैट इज़ माई फेवरेट. लाइक इफ़ यू आर 18 और 19 ईयर ओल्ड तो 15 ईयर्स में कब कितने साल के हो जाएंगे, 34-35 के, तब देखिएगा आप कितने सक्सेसफुल होंगे. तो इतने साल तो स्ट्रगल करेंगे ही ना, ये नहीं कि 2 साल में ही आप बन गए किसी कंपनी के डायरेक्टर और CEO. ऐसे नहीं होता है. ओवरनाइट थिंग्स टेक 15 ईयर्स तो मान लिया मेरा फेवरेट है. बट एट द सेम टाइम दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट बिब्लियोथेरेपी, रीडिंग बुक्स. रीडिंग अगर आपका मूड ऑफ है, 1, 2, 4, 5, 10 अच्छे अच्छे कोट्स पढ़े, उनको इन्वॉल्व एब्जॉर्ब किया, अंडरस्टैंड किया, उसके लिए मेडिटेशन किया. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी के आप बुद्धा एंड वैक्यूम और वॉट एवर करें. आप इवन इफ यू आर रीडिंग दैट इज मेडिटेशन बिकॉज आप बैठ गए, आपने ब्लैंकेट ले लिया, आपने चाय ले ली, आपकी ब्रीदिंग ठीक हो गई, आप सड़क पे तो भाग नहीं रहे ना, वो मेडिटेशन ही है. रीडिंग इज ऑल्सो अगेन अ मेडिटेशन. वॉट यू आर फोकसिंग ऑन एंड यू आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ इट. ओके कमिंग टू हम लोग बात करते हैं स्ट्रेसर्स की. स्ट्रेसर्स हैं लाइफ में, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं. और फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव इंटरप्रेट करेंगे स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है. जब स्ट्रेस हमें हो जाए लेकिन हम कोप अप कर लेते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, अपना कुछ ये काम छोड़े ये वाला कर लिया हो जाते हैं जब, और हमारी बॉडी जो है वो हमारा साथ देते देते थकने लग जाती है क्योंकि हमने उस स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा मे बी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला एंड यू नो अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, और हमने डॉक्टर्स पे नहीं गए, साइकोलॉजिस्ट पे नहीं गए, अपने आप ही लगे हैं जिंदगी की मुश्किलों को सॉल्व करने में, तब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. तब इट लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स. बायोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑल सफर्स. इट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर, इट कैन लीड टू एस्थमेटिक, इट कैन लीड टू ऑल काइंड ऑफ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, वेदर दीज आर यू नो लॉन्ग लिस्ट ऑफ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स वी हैव, इवन हार्ट अटैक एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड स्किन डिसऑर्डर्स, ऑल दीज आर लिस्टेड एज साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स वेयर द कॉज इज साइकोलॉजिकल एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू हैंडल दैट. दैट इज व्हाई इट इज इफेक्टेड इन ईयर्स एंड ईयर्स हैड स्टार्टेड इफेक्टिव अवर बॉडी. ऑफकोर्स एजिंग इज वन थिंग बट एट द सेम टाइम यंग एज में भी बीपी होता है बच्चों को, डायबिटीज हो जाता है. सो लाइफस्टाइल एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड अदर थिंग्स, एक्सरसाइजेस, ऑल दैट इज बीन मेंशन. बट एट द सेम टाइम हेल्पिंग योर सेल्फ एंड कंट्रोलिंग योर इमोशंस, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. हम कैसे कोपिंग करते हैं उसके लिए बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं एंड ऑल दैट. बट एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉग्निटिव रीअप्रेजल. वॉट इज दैट कॉग्निटिव रीअप्रेजल? कि अगर आपको कोई समस्या है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, उसको दोबारा से सोचा जाए, उसे देखें क्या ये प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है, वाकई क्या मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता. तो अगर नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, फिर लीव इट ना. अगर मैथ्स मुश्किल लगता है किसी बच्चे को क्लास 11-12 में तो छोड़ दें, ह्यूमैनिटीज साइकोलॉजी पढ़ ले, इंग्लिश ऑनर्स कर ले, कुछ भी. सो हमें एक बात को देखना है, समझना है, उसके लिए इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व होना है, क्योंकि हमारी जो थॉट्स हैं वो हमारी इमोशंस को इफेक्ट करती हैं. सो देर इज़ अ वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन की बात ही नहीं है, वो है टुगेदर टुगेदर है आपकी थॉट्स और आपकी इमोशंस. ये नहीं है कि पहले इमोशंस आई या पहले थॉट्स आई,
आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करेंगे तो आपके इमोशंस भी कंट्रोल हो जाएंगे. किस तरह से, लाइक चेंजिंग योर थॉट्स कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इमोशंस. और व्हेन यू आर एबल, और वो कैसे होगा, आई थिंक दैट कम्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक. Everyone needs to buy one copy of emotional intelligence book available in market. लेकिन उसको पढ़ने से भी ऐसा नहीं है कि वो और तरह से लिखी जाती हैं किताबें. थोड़ा सा सिंपली समझिए कि हम अपने आप को कितना समझते हैं, अपने इमोशंस को एंड दूसरों के इमोशंस को, हाउ वी इंटरैक्ट विद देम. अवर सोशल इंटरैक्शन डिपेंड्स ऑन अवर इमोशनल इंटरैक्शन. पीपल टॉक अबाउट यू नो मेजर प्रॉब्लम्स इन लाइफ. मेजर प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपके रिलेशनशिप्स बिगनिंग में प्रॉब्लम है, और बिगनिंग ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कम्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर ओन इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर पर्सन, जिसमें एंगर भी है, एग्रेशन भी है. अब एग्रेशन, हाउ टू मैनेज एग्रेशन इज अ वेरी यू कैन से स्पेसिफिक टॉपिक, एंड वी नीड टू हैव लॉट्स ऑफ यू नो टाइम डिवोटिंग आवर्स एंड आवर्स टू थिंक अबाउट हाउ टू कंट्रोल एंगर, एंगर मैनेजमेंट के टॉपिक्स जो हैं. पर सिंपली अगर हम देखें उसको, एक बार डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एंगर कंट्रोल करना है, अगर वो जेनेटिकली बायोकेमिकल नहीं है इतना ज़्यादा तो हो भी सकता है, कंट्रोल हो जाएगा इजीली. बट देयर इज वन क्वेश्चन, डू यू, जिसको एंगर होता है, पर्सन थिंक्स दैट टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसको, डू यू थिंक पीपल ट्राई टू कंट्रोल और दे फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैं तो ऐसा ही हूँ, क्योंकि वो मूवी के डायलॉग्स हैं ना, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा. हाँ, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. इफ वी हैव अ हाई नीड फॉर अप्रूवल एंड वी वॉन्ट टू हैव बेटर सोशल स्किल्स, बेटर रिलेशनशिप, हाँ, फैमिली एनवायरमेंट, वी वॉन्ट टू इम्प्रूव अवर फैमिली एनवायरमेंट, देन वी नीड टू कंट्रोल. एंड दिस मैसेज, हाउ मेनी पीपल थिंक अबाउट दीज थिंग्स, दे थिंक कि बस जिंदगी जैसे चली जा रही है, चली जा रही है, ऐसे ही चलेगी, ऐसी नहीं चलती. उसके लिए हर कदम पे अपने आप को समझो, इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, सेल्फ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, एंड नॉट दैट एनीबडी कैन डू काउंसलिंग. फॉर काउंसलिंग वी नीड टू हैव प्रोफेशनल्स हु आर क्वालिफाइड, हु आर सर्टिफाइड, हु हैव लाइसेंस, हु हैव बेसिक नॉलेज अबाउट थियोरीज एंड टेक्निक्स. And before coming to that techniques thing, I will, actually there's a lot of matter, I don't know for how much time I can go on and on. Jab bore ho jaye to bata dena please. Thoda sa aur kar dete hain because there are no other activities. I was trying to tell you the importance of counseling. Okay. And now, I have covered mainly about stressors and life events and life stages, and also about great psychologists like Bandura and Freud and Rollo May and Rogers and Ellis also. He talked about that if we talk about activating event and ABC, something like that, A is activating event, B is the belief, and C is the consequences. So people think that A leads to C, A leads to consequences. ये बात हो गई इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, ये बात हो गई इसलिए मुझे डिप्रेशन हो गया. तो बीच का जो B है, B means belief. वो B belief को पुराने जमाने की लैंग्वेज में लिखा है, आजकल हम उसको information processing, the way we process information, the way we think, our thoughts. So these are important. Now, you know, there is a stigma in society about visiting a counselor. Okay, usse pehle main ye kehna chahungi ki psychiatrist ke paas wo log jaate hain jinko problems hain, like DSM-5 ke accordingly, that they are not able to manage their own self. If there is a serious health issue, and you can say psychosis and neurosis and psychosomatic and psychopathic, उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है. अगर उस डायग्नोस्ड पर्सन है कोई इस तरह से, देन दे नीड टू गो टू साइकेट्रिस्ट एंड देन मेडिसिन इज गिवन एंड दे डू ECT एंड ऑल दैट, एंड कॉम्बिनेशन विद दैट इज साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग. बट देर आर मेनी यू कैन से लाइफ इशूज एंड डे टू डे स्मॉल थिंग्स विच इफ वी टॉक टू फ्रेंड्स
or to family members who can understand what we are going through. And if not, if we don't have anyone around like that, visiting a counselor or a psychologist can be very helpful. Because उनको लगेगा कि अरे गुस्सा आता है सबको आता है कोई बात नहीं एग्जाम में नंबर कम आ गए फिर क्या हुआ अगली बार ज़्यादा आ जाएंगे कि लाइट बात नहीं है इट्स अ सीरियस थिंग कि कोई बात नहीं देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम एंड ऐसे कहते कहते देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम माय ओन सन बिकेम अ स्कूल टॉपर विदाउट टीचिंग हिम सो ही इज नेवर सीरियस इन स्टडीज सो सीरियस होने की बात ही नहीं है वी हैव टू जस्ट हैव अ काइंड ऑफ हाउ टू स्टडी So I have some points like why college students fail in their exams or why they are not able to achieve marks and for that there are you know certain factors like we think that main intelligent nahi hu I am not that highly intelligent other people are but there are many things like you know our study habits our environment our you can say practice and need for achievement or interest so we all differ there are individual differences someone is you know having some special abilities the other person is having some other special abilities even intelligence is not a global capacity intelligence is also some total of many specific abilities okay so we measure many types of intelligence aapki agar ek maan lijiye एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में लो है तो हो सकता है सोशल इंटेलिजेंस में हाई हो एंड परफॉर्मेंस है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस हाई हो तो कोई इंडिविजुअल एक में हाई होता है कोई दूसरे में हाई होता है इंटेलिजेंस की बात हो रही है उसी तरह से देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन पर्सनैलिटी ऑल्सो राइट सम पीपल हैव डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेड्स सम पीपल हैव डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेड्स सो वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव ऑन दीज काइंड ऑफ लाइक If we have this kind of idea that intelligence to genetic hai, to psychologists have worked and they have proved that 25 points can be increased, 24 or 25 points by having enriched environment, by providing. अब ये बच्चे जो आए हैं बस्ती से यहाँ पर, इनका intelligence test अगर आप last year करते हैं, तो कितना score करते हैं? और अब अगर दो साल बाद करेंगे, तो they will score better on intelligence test. तो intelligence test क्या चीज़ है फिर? इसका मतलब बहुत biased है? इस इंटेलिजेंस टेस्ट के आइटम्स क्या हैं हाउ वैलिड आर दीज इंटेलिजेंस टेस्ट हम उनकी वैलिडिटी को डाउट नहीं करना चाहते बट इतना भी नहीं है कि एक टेस्ट ने अगर कोई एक स्कोर दे दिया तो हमने वो अपने मन पे लगा लिया कि यही स्कोर है देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर चेंज और लोग पर्सनैलिटी की बात करते हैं शायद मैं जब कॉलेज में थी तो इवन आई यूज टू थिंक आई एम वेरी शाई एंड वेरी क्वाइट वेरी सबमिसिव आई लैक सोशल स्किल्स मुझे आता ही नहीं बात करना किसी से अभी भी नहीं आता खैर एनी वे बट वॉट आई एम सेइंग कि दैट मीन्स वी स्टिल नीड टू वर्क इन दिस एज वी नीड टू इफ यू अटेंड सम वर्कशॉप्स क्लासेज रीड समथिंग खैर कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स सो इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट ये नहीं है कि कोई अनफॉर्चुनेटली जेनेटिकली काइंड ऑफ प्रॉब्लम है उसको सेवन बॉर्डर लाइन केस है बच्चा तो देन वी हैव स्पेशल होम्स फॉर these kind of kids but there are people who are genius so they are genius even if the environment is not that good they perform excellent but there are normal range of people where they are provided enriched environment there can be an improvement so that means parents teachers need to work on that particular idea ki inke liye kuch kare so that improvement ho jaye so once they are intelligent they'll be able to have better coping strategies also when they become adults okay now coming to personality personality आप में से भी कुछ लोग ये सोचेंगे personality जो है वो है नहीं भाई personality भी change हो जाएगी psychologist नहीं भी कहेंगे तो I have seen people changing once they plan that once they dream about it once they decide to that they have to change themselves now by changing your you can say qualities because there are many kind of traits and characteristics of an individual which are not helpful in the long run. So what kind of qualities and traits we need which are going to be beneficial in interaction in society, social skills and improvement in our lifestyle, in our behavior, and we can achieve more. We can be more confident. So if we desire and we set certain goals, if we are able to achieve our goals of life, उससे क्या होता है
आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि आपको ये फर्स्ट डिवीजन लानी है या टीचर बनना है स्कूल में या कुछ इस तरह का काम, वॉट एवर इज द गोल, इफ यू आर एबल टू अचीव दैट गोल, वॉट विल हैपन? यू विल हैव कॉन्फिडेंस. दैट कॉन्फिडेंस विल गिव यू पॉजिटिव सेल्फ इमेज, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंड यू विल बी सक्सेसफुल, एंड टू सम एक्सटेंट इट कैन गिव यू हैप्पीनेस ऑल्सो, बिकॉज योर सेल्फ एस्टीम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज इफ यू हैव अ नेगेटिव सेल्फ एस्टीम, if we always keep thinking that we are a failure, I can't do anything, so we have to change that kind of a thought process by taking some kind of intervention from people who can understand you or the counselors who can provide help. Now coming last 5 minutes only, the kind of stigma, like, you know, people can come to psychologist and the counselor for many kind of problems, like you can say problems associated with social problems, examination anxiety, and work-related, workplace-related problems, and job-related problems, chronic illness, and many more kind of a things. Now, last few lines, like, you know, another important point is that once we decide about some goal of life, some dream, or wo fulfill nahi hota, to kya karein? Huh? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली बात तो है नहीं. जिंदगी बहुत बड़ी होती है वैसे, अब हम तो नहीं कह सकते हैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड की, और नहीं 10 साल, एवरी टाइम आई थिंक अरे अनदर 10 ईयर्स, सो फॉर लास्ट 10 ईयर्स आई एम सेइंग अनदर 10 ईयर्स, सो नॉट दैट. सो ठीक है, लाइफ में आपको बहुत चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट वेन टॉकिंग अबाउट यू नो सम ड्रीम्स एंड यू हैव प्लान ऑफ लाइफ कि मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, वो नहीं हो पाया. कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो नहीं बन पाया, तो क्या हुआ फिर? आप देखेंगे काउंसलिंग की बुक्स जो है हमारी, जितने काउंसलर्स हैं उनके पहले बुक में 2 पेज ये दिए हैं उन्होंने कैसे स्ट्रगल की. पहले इंजीनियर बन रहे थे, नहीं बने, फिर ये कर रहे, नहीं हुआ, 4 बार 5 बार डिफरेंट चेंजेस करके फिर वो किस तरह से सक्सेसफुल हुए और काउंसलर्स बन गए या साइकोलॉजिस्ट बन गए. एंड दैट इज हाउ दे हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट process of having, you know, not giving up. Let's not give up, okay? Practice makes a man perfect, or the kind of many examples of that, if you have just once, if you try some list of words, aur aapko dikhai jaye ek baar aur aapse pucha jaye ki 10 words ki list mein se kitne yaad rahe aapko, aap kahenge 4 5, dobara dikhaiye to kitne rahe, 7 8, to 3 4 dikhayenge to pure ke pure 10 ya 20 याद हो जाते हैं. दैट मीन्स 4 5 trials आर नीडेड इवन फॉर लर्निंग अ लिस्ट ऑफ 10 words. तो जिंदगी में इसी तरह से बहुत कुछ करने के लिए वी नीड टू ट्राई, वी डोंट हैव टू गिव अप. देर आर वेरी कैन से स्टेजेस ऑफ लाइफ वेर वी फाइंड देर इज नो इम्प्रूवमेंट, सो दैट स्टेज ऑफ नो इम्प्रूवमेंट शुड नॉट बी डिस्करेजिंग अस, बिकॉज देयर ऑल्सो वी आर लर्न. कभी लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता है, तो मेरा ये मानना है कि जिल्लत की जिंदगी से अच्छा है इज्जत की मौत. थैंक यू. तो ये कंटेस्टेंट नंबर 1 था अदनान बशीर, और कंटेस्टेंट नंबर 2 कौन आ रहे हैं? आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. ओके, ऑफ कोर्स अदनान इज राइट. लाइक आई थिंक दैट लाइंग इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ, बिकॉज एवरीबॉडी लाइज एंड एवरीबॉडी हैज अ बंच ऑफ लाइज विद देम एंड एवरीबॉडी लाइज ईच डे. So of course lying is important for the living, and lying is important for a good life. Now I was contestant number 2, I guess. Anybody wants to come on the stage? Yes, what's your name? Shivam Singh. Good afternoon all of you. Jaisa ki unhone kaha ki ek jhooth zaruri hota hai, main ke just against jata hu. Kehte hain ki hamare yahan pe kahawat hoti thi कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. जैसे कि आपने कहते कि आज मैं झूठ बोल रहा हूँ आपके सामने, या आपके सामने बोलूँगा, तो उस झूठ को छुपाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, है कि नहीं? जिन्हें इन्होंने कहते कि हाँ बोलना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा ही है कि हम उस झूठ को, इसे हमने आज मान लें कि हमने आज मान लिया कि हम आज झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोलेंगे कल, तो
तो इससे अच्छा है कि हम उस झूठ को बोल के 100 झूठ और बोले, उससे बेटर यही है कि अपना जो सही है उसको बोल दें। थैंक यू। प्लीज अनाउंस द नेम आल्सो। शिवम सिंह। शिवम सिंह, थैंक यू सो मच शिवम सिंह। एंड व्हाट्स योर नेम? Shama. Now Shama is here and she wants to say something. Yeah, sure. Good morning all of you. कुछ झूठ जिंदगी में ज़रूरी होते हैं, हम सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ झूठ हमारी ऐसी लाइफ में होते हैं कि अगर हम वो बोलें तो शायद किसी की लाइफ अच्छे से हो सकती है। जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो इतना इंथुजियास्टिक नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए, लेकिन मैं उसे ये बोलूँगी कि नहीं यार तू तो सब कुछ कर सकता है, तो उसके अंदर वो जो जोश है ना, अगर नहीं भी होगा ना वो कुछ करने वाला, लेकिन अगर मेरे कहने से वो ना मतलब कुछ करने लगेगा समथिंग, और अगर वो कुछ बन गया तो वो झूठ मेरी ज़िंदगी का और उसकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही पेरेंट्स में अगर लड़ाई होती है तो हम, अगर फादर की गलती होती है लेकिन हम मदर को भी बोलते हैं कि आपको भी उन्हें समझना चाहिए, तो ये अगर मैं झूठ बोलूँगी तो जो उनका रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एंड हाँ, और मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि अगर मैं अपने आप से भी झूठ बोलूँ कि नहीं शमा यू हैव टू डू समथिंग, मुझे अगर मैं अपनी अपने लिए झूठ बोलूँ कि मुझे कुछ करना है और मुझे पता है कि वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो ये झूठ भी मेरी लाइफ के लिए बहुत बेहतर एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। थैंक यू। वेरी गुड। Thank you, Shama. What is your name? Sorry? Arzu. Arzu. Arzu is here and she wants to say something. All your time. मिलती तो हमें सिर्फ दूसरे इंसान को खुश रखने के लिए उस इंसान के बताए गए पाथ पर नहीं चलना चाहिए। फर्स्ट हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए, और अगर हमें कभी उस अच्छा काम करने के लिए एक दो झूठ भी बोलने पड़े तो शायद हमें बोल देने चाहिए जिससे किसी दूसरे इंसान का भला हो जाए। जैसे आज अगर हम घर पे, अगर मैं अपने बता के आती कि मेरे को यहाँ पे किसी इवेंट पे जाना है तो शायद घर वाले ना समझ पाते मेरी बात को, लेकिन मैंने घर पे बोला कि क्लासेस है रेगुलर, तो मैंने आज एक झूठ बोला है कि मैं क्लासेस अटेंड करने यहाँ पे आई हूँ। तो बस यही है कि हमें उस हद तक झूठ बोलना चाहिए जहाँ तक किसी और को बुरा ना लगे, और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। स्टे ऑन, प्लीज स्टे ऑन। हम यहाँ पे एक नई चीज़ करते हैं, जो भी स्पीकर्स आ रहे हैं ऑडियंस कैन आस्क टू क्वेश्चंस एट द मोस्ट टू देम, और जितना अच्छा वो रिस्पांस देंगे उससे भी उनका नंबर जज साहब बढ़ा सकते हैं। तो आरजू, पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। एवरी बॉयफ्रेंड नोस कि अगर मुझसे पूछा गया मैं कैसी लग रही हूँ तो उसके लिए सच बोलना है कि झूठ बोलना है? अगर सेफ टू से द ट्रूथ? हाँ, अगर सामने वाला इंसान समझता है, मतलब एक दूसरे को कितनी कंपैटिबिलिटी है दोनों के बीच में, तो उन्हें सच बोल देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कुछ वियर्ड हो, मतलब वियर्ड लग रहा हो और दूसरों को अच्छा ना लगे, तो पहले ही बोल देना सही रहेगा। गुड, एक्सेलेंट। वन मोर क्वेश्चन कैन बी अलाउड फॉर एवरी स्पीकर? आप आरजू से पूछना चाहें प्लीज। शबन, यहीं से पूछ लीजिए। बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि झूठ बोलने से खुशी मिलती है, ठीक है, खुशी है क्या? जो जिसको आप खुशी समझ रहे हैं वो हो सकता है खुशी ना हो, ये जो झूठ बोलने से, क्योंकि मेरे को लगता है कि खुशी नहीं मिलती झूठ बोलने से। खुशी क्या चीज़? आई थिंक हैप्पीनेस इज़ रिलेटिव। हर किसी के लिए हैप्पीनेस की एक अलग डेफिनेशन होती है। शायद हो सकता है किसी के लिए झूठ बोलना भी खुशी हो, तो हम ये नहीं कह सकते, हम किसी के सेल्फ फीलिंग को हम नहीं जान सकते कि शायद हो सकता है उसको झूठ बोलने से उस टाइम खुशी मिल रही हो। हम अगर बात के बारे में सोचेंगे तो शायद वो ज़्यादा पेनफुल रहेगा, तो हमें एट प्रेजेंट में ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर। हमसे एक गलती हो गई थी, पिछले जो स्पीकर्स गए हैं उनके लिए भी अगर किसी के माइंड में कोई सवाल हो आप सोच लीजिएगा, इस अगले स्पीकर के बाद उन पर हम दोबारा वापस जा सकते हैं।
What's your name? Deepak. Deepak Kumar. Good afternoon to everyone, respected principal sir, our judges and my dear friends. I would like to share my views on this topic that speaking truth is how the topic was, is speaking lies sometimes useful? I would like to say that since truth is always persistent and we have seen the experiment of Mahatma Gandhiji. He wrote the book, My Experiment with Truth. And this shows that truth is always, truth will always give you success. But sometimes we say that there are exceptions to everything. So at sometimes speaking lies is also useful. Like in cases, if your one lie can save a life of a person, it is worth telling a lie, that lie. Suppose we have, in our childhood, we have read the story of the Khadak Singh. What happens that when a beggar was lying on the road, when Khadak Singh passes there on his horses, and he saw that beggar, lying in desperate conditions, he thought to help him. But what happened after that, when he picked up that beggar on his horse, after some time, the beggar kicked him, Khadak Singh, down of the horse and took his horses away. At that point, what Khadak Singh told that, yes, I will not tell this truth to anyone, but please, don't say this, don't pass this message to anyone that don't tell the truth of this event to anyone, otherwise the belief on goodness will be, the belief of people on goodness will not exist from now only. I would like to also share another story in which a candlelight, there was a prisoner who had stolen, actually he had ran away from jail, and he took a shelter in the house of a bishop. And what happens at the end, that when the bishop provided him shelter, food, everything, but at the end, he tried to steal the most valuable antique candlestick of his house. When the policeman came to search his house, then he told the policeman lie that no, this person has not stolen my candlestick. And at this point of time, he changed the heart of that prisoner, and he then became a good person. So telling lie sometimes is also necessary. And another point of view I would like to explain, that sometimes diplomatically there is a chance, there is some situations where we should we can modify the fact, but we should not tell lie, because it's it will be harmful in later stages. Thank you. स्टूडेंट के पास हमने बेल रख पाई थी, वो भूल गए बेल बजाना 3 मिनट के बाद. Any questions for him? हाँ जरूर. सच बोलना देखिए सबसे अच्छा है ये.
तो हम सच ना बोल पाए तो साइलेंस मेंटेन करें, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? झूठ तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि यस दिस इज आल्सो अ गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. इन दिस वे वी कैन protect ourselves at that time by keeping silence, and silence tells a lot. That person will at that time, when we keep silence, we have we get some time to actually realize the situation and react at that time. You want to speak? Yes. Bahar, you have another contestant. Yes, what is your name? Hina. Hina. Now we have Hina to speak something. Good afternoon, all of you, and assalamu alaikum. Mera naam Hina hai. Main Urdu honors ki student hoon. जैसे कि अभी आरजू ने बोला कि मैं मम्मी को झूठ बोलकर आई हूँ, बट ये एक तरीके से हम सामने वाले का ट्रस्ट खोते हैं. अगर हम मैं मानती हूँ कि सच कड़वा होता है, लेकिन वो सच बोलने से हम सबका भरोसा जीतते हैं. और अगर हमने किसी का भरोसा जीत लिया तो सब हम पे ट्रस्ट करेंगे और उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे. अभी हमारी ज़िंदगी के चंद लम्हात ऐसे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी के पहली सीढ़ी चल रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हमारी फैमिली हम पे ट्रस्ट करेगी? कभी नहीं करेगी. और भले ही जैसे कि अभी एक फ्रेंड ने बोला कि हमारे एक अजीज़ ने बोला कि वो टेम्परेरी होता है, कुछ लम्हा के लिए हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस खुशी के बाद ना हमें बहुत सारी तकलीफें होने वाली होती हैं. क्योंकि कहते नहीं है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें हज़ार झूठ बोलने पड़ते हैं. हम छोटे छोटे झूठ को करते करते इतना बड़ा झूठ बोल लेते हैं जिसका सॉल्यूशन निकालना हमारे पास बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. इसलिए मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूँगी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी झूठ से है ना हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आज हमने इतना छोटा झूठ बोल दिया तो यार हम कल भी बोल सकते हैं ना इस चीज़ को. तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. अभी अपने आप को कंट्रोल करो ताकि सच बोलने की एबिलिटी लाओ अपने अंदर, ताकि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकें और झूठ से बच सकें. थैंक यू. सर, मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि झूठ बोलना चाहिए. जैसे कि जस्ट सपोज कोई है हमारे सामने और मुझे बोलना है कि तुम अच्छी लग रही हो और वो अच्छी नहीं लग रही. अगर मैं आज उनसे ये बोलूँगी ना तुम अच्छी लग रही हो, दो पल की खुशी मिलेगी, बट उसके बाद क्या होगा? वो अच्छी नहीं लग रही. समाज के सामने क्या हो गया? वो अच्छी नहीं लग रही. और मैं क्या उन्हें झूठा कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि तुम अच्छी लग रही हो? यस प्लीज. वेरी गुड क्वेश्चन आरजू. मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी जैसे कि अगर आप सच, आप कोई गलत काम नहीं करने आ रही यहाँ पर, आप आ रही हैं एक ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करने में जिससे आपको नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और मेरे हिसाब से बहुत कुछ, मतलब एक तरीके से हम अपना बढ़ा रहे हैं. हमारी फैमिली को इतना ट्रस्ट है हम पर कि अगर हम उनसे बोलेंगे अम्मी हम यहाँ जा रहे हैं तो वह डेफिनेटली भेजेंगी. और ये कोई बात नहीं होती कि हम क्लासेस, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि तुम सच में क्लासेस लेने आ रही हो और यहाँ पे कोई पता चल गया तुम्हारी फैमिली को कि तुम प्रोग्राम्स ऐसे अटेंड करती हो.